नाजरीन, आज बहुत ही हसास मौजू पर वीडियो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, इसलिए आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपकी सोच का जाविया बदल जाएगा। नाजरीन, हमारे माशरे में मर्दों की चंद ऐसी अकसाम पाई जाती है जो शादी की पहली रात बीवी को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ देने को मर्दानगी समझते हैं। उनके नजदीक अगर पहली रात हम बिस्तरी के दौरान बीवी को तकलीफ की शदत से रोने पर मजबूर न किया तो उनसे बड़ा मर्द कोई नहीं। अगर ऐसा हो भी जाए तो अगले दिन दोस्तों को बड़ा चढ़ाकर किस्से सुनाते पाए जाते हैं। अगर किसी अस्पताल की इमरजेंसी में काम करते हैं या आपका कोई दोस्त काम करता है तो आपको इल्म होगा कि हर माह एक या दो केसेस ऐसे लाजमी आते हैं कि शादी की पहली रात दर्द की शिदत लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसकी हालत गैर हो गई। मेरे एक इंतहाई करीबी दोस्त सारी उम्र जिना और गलत कार्यों में मुलविस रहे। शादी करीब आई तो इन्हें एहसास कमतरी होना शुरू हो गया कि पहली रात में एक मिनट या इससे ज्यादा कम वक्त में ही नजूल का शिकार न हो जाऊँ। लिहाजा इस प्रेशर में उन्होंने शादी से एक माह कबल एक हकीम से माजून लेकर खाना शुरू किया, हजारों रुपए भी लगाए और शादी की पहली रात मुसलसल 40 मिनट बिनते हवा को उसकी मर्जी के खिलाफ रोनते रहे। नतीजा ये हुआ कि बीवी को रात 3 बजे अस्पताल ले जाना पड़ा और सारे जमाने से झूठ बोलना पड़ा कि उसके मैदे में दर्द उठा है। इन लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि लाजिम नहीं कि लड़की को नुक्ता सुकून तक पहुँचाने के लिए आपको जिंसी अमल में ज्यादा वक्त लगाना पड़े। आप जिंसी अमल से पहले भी बहुत से काम करके इस अमल से मदद ले सकते हैं। ऐसे मर्दों को समझने की जरूरत है कि औरत भी इंसान है, आपकी बीवी भी किसी की बहन बेटी है। अगर वो इस अमल के लिए अभी तैयार नहीं हो पा रही तो उसे कुछ वक्त दो, बेशक चंद दिन दे दो। लाजमी नहीं कि पहली रात ही ये एग्जाम लेना ही लेना है। बंदा खुदा, उसे इस अमल के दौरान बिल्कुल वैसा ही दर्द महसूस होता होगा जैसे मारपीट का दर्द हो। अगर हमारी ये वीडियो देख कर ऐसे लोगों की सोच बदल गयी तो हमारा आज की ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा और किसी की बहन बेटी उखाड़ा बनने से बच जाएगी। ये बात जहन में रखिए कि कल को आपने भी बेटी का बाप बनना है और बेटियां जब किसी की बीवियां बनती हैं तो वो चाहने और प्यार करने के लिए होती है, अखाड़ा बनाने के लिए नहीं होती। बीवियों को यूं प्यार से रखिए जैसे कांच के बर्तन रखे जाते हैं।